जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एलपीपी का वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कॉन्स्ट्रेंट्स को बोलते हैं, एक फंक्शन जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है उसको बोलते हैं। इज दिस अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और नन ऑफ दीज? तो यू नो कि जिस फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि हमने उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स, कि जो भी आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, जो आपको फंक्शन गिवन होता है ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमल वैल्यू मीन्स उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, दैट इज ऑप्टेन्ड एट द पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट है गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद द एक्सिस ओनली, कि सिर्फ एक्सिस पे जो इनइक्वालिटीज इंटरसेक्ट कर रही होती हैं सिर्फ वो पॉइंट्स होते हैं। गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद एक्स एक्सिस ओनली, गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद द वाई एक्सिस ओनली। फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा कि जो आपकी इन इक्वालिटीज हैं सिर्फ एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास मान लो दो या तीन लाइंस का जितना भी है, लेट अस सपोज कि एक मेरी लाइन ये बनी, एक लाइन मेरी ये बनी और एक लाइन मेरी ये बनी, तो इंटरसेक्शन जो हम लाइंस का लेके चल रहे हैं, सिर्फ जो पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑप्टिमल वैल्यूज सिर्फ उन पॉइंट्स पे आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन था कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा दैट पॉइंट विल गिव मी द ऑप्टिमल वैल्यू। फोर्थ पॉइंट था कि सिर्फ जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या आपका थर्ड जो ऑप्शन था दैट वाज कि जो आपका फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन के जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनमें से एनी वन ऑफ दैट विल गिव यू द ऑप्टिमल वैल्यू। तो ऑप्शन आपको क्लियर कट पता है इसमें कि कॉर्नर पॉइंट्स हम सारे लेके चलते हैं, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को हम जेड में पुट करते हैं एंड देन वी गेट द ऑप्टिमल वैल्यू। सो गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर द लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। किन लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स पे ये वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम होती है? एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन जो भी आपको गिवन है उसके सेंटर पे, एट ऑरिजिन, एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के किसी भी वर्टेक्स पे आपकी ये वैल्यू हो सकती है, और द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0,0। तो इफ यू हैव ऑब्जर्व इट केयरफुली, तो जो वर्टेक्स आपका ऑरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, हमेशा जो आपकी वैल्यू आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम, वो उसी पॉइंट पे आती है। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो। देन वी आर गिवन सम स्टेटमेंट्स, वी आर टू फाइंड विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट वन वी आर हैविंग, एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि हर एलपीपी का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका होगा। सेकेंड इज एलपीपी एडमिट्स यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो यूनिक होता है। सेकेंड, इफ एन एलपीपी एडमिट्स टू ऑप्शनल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, कि अगर एक जो एलपीपी है उसपे दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपके आ जाते हैं, तो इट मीन्स उसपे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे। एंड देन ऑप्शन डी इज, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी जो है दैट विल गिव यू द रिजल्ट। सो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन आता है कि अगर एक एलपीपी के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं देन इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको एज इट इज जो है करने होंगे। आई विल सेंड अ पिक ऑफ दिस ऑल्सो। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग, इफ द कॉन्स्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज्ड, कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स जो आपको इन इक्वालिटीज गिवन होती हैं अगर वो एक एलपीपी में चेंज कर दी जाए, देन द प्रॉब्लम इज टू बी री इवेल्यूएटेड, प्रॉब्लम आपको फिर नए सिरे से करनी पड़ेगी। सेकेंड, सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, कि अगर हम इन इक्वालिटीज को चेंज कर देते हैं तो सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं रहेगा।
देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज कर रहे हैं. देन चेंज इन द कॉन्स्ट्रेंट्स इज इग्नोर्ड, कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं कॉन्स्ट्रेंट्स में दैट कैन बी इग्नोर्ड. तो एवरी टाइम यू आर टू टेक केयर ऑफ कि जो भी आप इसका सॉल्यूशन लेते हो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन टू यू. तो वेन एवर द कॉन्स्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग आर चेंज्ड, देन द प्रॉब्लम इज टू बी री इवेल्युएटेड. प्रॉब्लम आपको फिर से जो है वो फ्रेम करनी पड़ेगी. सो दिस ऑप्शन ए विल बी योर आंसर इन दिस. नाउ द नेक्स्ट वन. The solution set of the inequality 2x plus y greater than 5. हमें inequality given है 2x plus y greater than 5. इसका जो solution है he is saying this is half plane that contains the origin, कि ये जो है origin में से pass करेगी, यानी कि वो half plane है जिसमें origin आ रहा है. Open half plane Not containing the origin, कि अगर ये इस तरीके से भी है लाइन तो इधर वाला आएगा पोर्शन ओपन हाफ आएगा जिसमें ऑरिजिन नहीं है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली जिसमें ऑरिजिन है. देन द थर्ड वन, होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन 2x plus y equal to 5. इसमें पूरा एक्स वाई प्लेन आ जाएगा, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है. नॉट कंटेनिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट है सिर्फ उनको छोड़ के. And the next one is none of the above. तो आप इसका एक बार क्विकली जल्दी से बनाइए सॉल्यूशन सेट एंड फाइंड आउट टू विच पार्ट इट इज लाइन. बी क्विक. 2x plus y को रफली प्लॉट करो और इसका सॉल्यूशन सेट चेक करो किस साइड आएगा. Hurry up. अब इसका सॉल्यूशन सेट, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है 2x plus y greater than 5, तो मैं ऑरिजिन यहां पे पुट करती हूं अगर, तो 0 इज ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स. तो सॉल्यूशन सेट विल बी ऑन दिस साइड. सो इट इज द ओपन हाफ नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन. ऑरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग नहीं है. सो दिस इज द ओपन हाफ नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन. सो ये क्वेश्चंस कोई बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है, तो यू कैन डू देम इजीली. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेट एक्स वन एंड एक्स टू be the two optimal solutions of an LPP. हमें एक LPP के दो optimal solutions given है x1 and x2. First option मुझे given है x is equal to lambda times x1 plus 1 minus lambda times x2, where lambda belongs to any real number, is also an optimal solution. Then x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda lies between 1 to 0, gives an optimal solution. Then the third, x is equal to lambda x1 plus 1 plus lambda x2, where lambda lies between 1 to 0, and the fourth, x is equal to lambda x1 plus 1 plus lambda x2, where lambda lies between lambda belongs to any real number. This gives an optimal solution. So any one of you can tell me which out of these will give an optimal solution if x1 and x2 both are optimal solutions. Agar ye dono optimal solutions hain, x1 bhi aur x2 bhi, then what can you say about
दीज फोर पॉइंट्स आउट ऑफ दीज विच विल गिव यू एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड गिव योर आंसर. एक्स वन और एक्स टू दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेमडा जो है वो या तो आर को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास ये दो ऑप्शन बन रही हैं. हियर वी आर हैविंग वन माइनस लेमडा एंड हियर वी आर हैविंग वन प्लस लेमडा. दीज विल गिव अस अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या फिर इन दोनों में से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा. हियर वी आर हैविंग वन माइनस लेमडा एंड वन प्लस लेमडा. बी क्विक. चलो अच्छा, आई विल टेल यू दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा टाइम्स एक्स टू वेयर लेमडा लाइज बिटवीन जीरो टू वन. नाउ यू आर टू गिव मी द रीजन वाई इज इट सो. दिस गिव्स अस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाई. अनम्यूट योर सेल्फ. एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए. ऑल मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली. सेकेंड पॉइंट मस्ट बी अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. देन नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स ओनली सम ऑफ देम और ऑल ऑफ द अबव. लिसन टू द क्वेश्चन वंस अगेन. अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. जो आप एलपीपी लेते हो फिजिबल रीजन में से आप जो भी सॉल्यूशंस निकालते हो, तो उसमें से जो फिजिबल सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स साइमल्टेनियसली. उनको साइमल्टेनियसली वो सेटिस्फाई करना चाहिए. देन फिजिबल रीजन का कोई भी कॉर्नर पॉइंट हो सकता है. नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स ओनली सम ऑफ देम. उनमें से कुछ को सेटिस्फाई कर सकता है, सभी को करने की जरूरत नहीं है. एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम. तो दिस आंसर यू नो दैट इट मस्ट सेटिस्फाई all the constraints of the all the constraints simultaneously. जितने भी इसके constraints बनते हैं, जितने भी inequalities given होती हैं, आपका जो भी solution आता है वो उन सभी को satisfy करता है simultaneously. एक ही time पे सभी को satisfy करता है. Now the next one. The first step in formulating a linear programming problem. जब आप LPP की जो inequalities है वो form करते हो या इन एलपीपी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन जब लेते हो, द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज. आपका फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई एनी अपर और लोअर बाउंड ऑन द डिसीजन वेरिएबल्स. आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर कोई भी अपर या लोअर बाउंड आप डिसाइड करते हो, आइडेंटिफाई करते हो. सेकेंड ऑप्शन इज स्टेट द कॉन्स्ट्रेंट्स एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स. जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनके जो है उनको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलते हो, या कॉन्स्टेंट्स को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स लेके चलते हो. यानी कि कॉन्स्टेंट्स यू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस. देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझते हो. देन ऑप्शन डी इज आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स. नाउ आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप क्या लेके चलते हो इसमें? सबसे पहले आप डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो. जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली जितने भी आपके कॉन्स्ट्रेंट्स बनते हैं या जितने भी आपका जो भी आप उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो फॉर्म करते हो, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स. एक्स और वाई आप वो वैल्यूज असाइन करते हो कि x is representing this, y is representing this. तो first step हमारा उसमें आता है कि हमने x क्या मानना है, y क्या मानना है, यानी कि we are identifying the decision variables. Now the next one. उसके बाद कुछ questions आपके already मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें आपको या ग्राफ गिवन होगा फिजिबल रीजन का, या फिर पॉइंट्स गिवन होंगे कॉर्नर पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन होगा. यू आर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो भी उसकी बनेंगी, दैट यू आर टू फाइंड आउट.
सो दीज वर सम क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन एलपीपी. बाकी जो है वो सॉल्यूशन पार्ट वाले ही बनते हैं आपके, तो दैट यू कैन डू. देन वन मोर थिंग, आपकी जितनी उसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एओडी वाले चैप्टर में, एक बार उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को, जैसे मैंने अभी यही करवाया था एच इज इक्वल टू 4/3 R, तो ये वाले जो रिजल्ट्स हैं एक बार इनको भी रिकॉल कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है आपको. सो अकॉर्डिंगली यू विल प्रोसीड. देन जितने आपके उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, या जो आपके डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज तो नहीं कह सकते आप, डिटर्मिनेंट्स में जो हमारे एक दो फॉर्मूलेज आपको करवाए गए हैं डायरेक्ट निकालने के लिए, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. उन पे बेस्ड भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं. बुक में जो आपके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगेन क्वेश्चंस की किस तरीके से फ्रेमिंग होनी है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Now let us do some questions of inverse trigonometry. इसमें भी अगेन आपके जितने ये स्टार्टिंग में फॉर्मूले हैं इनके मैं एक बार क्विक रिव्यू जो है वो सभी चैप्टर्स का बना के भेज दूंगी, तो उसमें से आप जो है जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह बनते हैं वो कर लेना अकॉर्डिंगली. ग्राफ से रिलेटेड आपका कोई भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है. जो आपके ये हैं जितने भी ये टी रेशियोज हैं इनवर्स में या डायरेक्ट अगर आप लेके चलते हो, तो इनकी आपको रेंज डोमेन पता होने चाहिए. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अदर देन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ सकता है आपसे, उसका पूछा जा सकता है. देन फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे आपके बुक में क्वेश्चन से उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस इसमें गिवन है. अब दो तीन क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, जस्ट टेल मी द आंसर क्विकली. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में केस स्टडी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे आपका 10th में क्वेश्चन से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन इन दिस केस स्टडीज, तो यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट. अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे गिवन है tan इनवर्स रूट 3 प्लस tan इनवर्स 1/√3. आई हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू. सिंपल सा क्वेश्चन, आप बताएंगे मुझे, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट, टेन इनवर्स रूट 3 कहाँ पे होता है और 1/√3 कहाँ पे होता है. टेन इनवर्स रूट 3 टेंथ में भी किया हुआ है, टेन की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है. एनी वन ऑफ यू, टेन रूट 3 कहाँ पे होता है, दैट इज ऑन 60 डिग्री, तो दिस इज 5/3. टेन की वैल्यू 1/√3 होती है आपकी 30 पे, तो दिस इज 5/3 एंड 30 + 60 विल गिव यू 5/2. सो टेन इनवर्स रूट 3 प्लस टेन इनवर्स 1/√3 विल गिव यू द आंसर एज 5/2. अब नेक्स्ट जो है tan inverse x plus tan inverse y की वैल्यू मुझे निकालनी है. इफ x लेस देन 0 y लेस देन 0 सच दैट xy इज इक्वल टू 1. x और y दोनों लेस देन 0 हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव हैं और इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1. प्रोडक्ट इज 1, तो ऑप्शंस हैं 5/2 माइनस 5/2. Then minus 5 and none of these. Yes, Sia, can you answer? X less than 0, y less than 0, such that xy is equal to 1.
व्हाट विल बी इट्स आंसर? वंशिका, कोई तो बच्चे आंसर दिया करो. क्षितिज, मानविया, आपको ये कंडीशंस गिवन है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टैन इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स वाई. बी क्विक, व्हाट विल बी द आंसर? मुझे ना समटाइम्स ऐसे लगता है कि मैं बोली जा रही हूँ एंड यू पीपल आर नॉट देयर इवन टू लिसन.